Eccentrics and Pooja. Hope you all doing well. And if you are new to my channel, please subscribe and hit the bell icon so you will get notified every time when I upload any new video. आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी 5 ब्यूटी टिप्स जो कि आप डेली अपने डे स्किन केयर में और नाइट स्किन केयर में उसको यूज कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं. इससे आपका टेक्सचर इंप्रूव हो जाएगा, आपकी स्किन से सारे फाइन लाइंस, रिंकल्स, एक्ने, डार्क स्पॉट्स सारे रिड्यूस हो जाएंगे. तो आइए जानते हैं कि हम ऐसे कौन कौन सी अपनी डेली स्किन केयर में और नाइट केयर में चेंजेस करके अपनी स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग हेल्दी बना सकते हैं. तो सर लेट्स गेट स्टार्टेड. So I'm gonna talk about this product. This is cleansing brush. I just went to the mall for the random shopping. I came across with this product. It cost me 740 and trust me, this is amazing. ये मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है और इसने मेरी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव किया है. बहुत सारे मुझे डस्ट की वजह से, बहुत सारे मेकअप लगे रह जाने की वजह से मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो गई थी. ये इसने उसको भी रिड्यूस किया है. ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. आप इसमें ये चार्जिंग यहाँ से इसको चार्ज करते हैं. इट्स अ चार्जेबल प्रोडक्ट और यहाँ से इसको ऑन कर लिए. आप इसमें देखेंगे प्लस और माइनस का निशान है जिससे हम इसकी वाइब्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. आप देख सकते हैं अभी मैं इसकी वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया है और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं. तो इसको क्या करना है, मैं इसको किसी भी क्लेंजर के साथ यूज़ करती हूँ. जिससे आप जो भी फेस वॉश आपके पास कोई भी क्लेंजर हो, अगर आपको मेकअप रिमूव करना है या आपको फेस वॉश करना है तो आप थोड़ा सा फेस वॉश लेके इस पर और अपने स्किन को वॉश करके इसे अच्छे से अपने स्किन पर रब करिए जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा. आपकी स्किन डीपली क्लीन हो जाएगी और इससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग होगी. हम जब सोते हैं तो हमारी स्किन एक नाइट एक रिपेयर मोड पे चली जाती है जिससे हमारी स्किन वो अपने आप को रिपेयर करती है, हमारे फाइन लाइंस, रिंकल्स को रिड्यूस करती है. अगर हम अपनी स्किन पे कोई भी अच्छी नाइट क्रीम लगाते हैं उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वॉश करें, उसे बहुत ही क्लीन करें. सोते वक्त आपकी स्किन जितनी क्लीन रहेगी आपके स्किन के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है. तो मुझे लगता है कि दिस प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग एंड इट वर्क्स वंडर. अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी. और ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है. ये इसको मैं दो तरीके से यूज़ करती हूँ. एक तो मैं जब अपनी स्किन को क्लीन करती हूँ कोई फेस वॉश से या फिर कोई भी लिक्विड क्लेंजर से तो मैं इसको यूज़ करती हूँ. और सेकेंड मैं अपनी स्किन की मसाज के लिए इसको यूज़ करती हूँ. मसाज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. आप अपना कोई भी फेशियल ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो या फिर आप आमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, आप जो भी प्रोडक्ट अपनी स्किन के लिए फेशियल ऑयल जैसा कुछ भी आप यूज़ करते हैं उस पर बस आपको क्या करना है कि अपनी स्किन पे वो ऑयल लगाना है और उससे इसको इससे उसको मसाज करनी है. जब इसको आप ऑन करेंगे तो उसमें एक छोटी सी लाइट ऑन होगी और इसकी वॉल्यूम को, इसकी वाइब्रेशन को आप इंक्रीज कर सकते हैं और अच्छे से इसको मसाज करिए. आपकी स्किन के अंदर विद इन 1 वीक आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा. सो मैं अपने इस क्लेंजर के साथ इसको क्लीन करती हूँ. ये मेरा फेवरेट क्लेंजर है जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था. मेरी स्किन नॉर्मल स्किन है बट मैं ये सेंसिटिव स्किन वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ बिकॉज ये मेरी स्किन को बहुत ही जेंटली क्लीन करता है. तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही फेस वॉश चाहती हैं तो प्लीज़ इस फेस वॉश को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें. अब मैं अपनी स्किन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एसेंशियल थिंग यूज़ करती हूँ जो कि सबको यूज़ करना चाहिए. कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पूरे ओवरऑल वेलनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ग्रीन टी. ग्रीन टी आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. अगर आप वर्कआउट करती हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, आपका वेट लॉस अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो आप इस ऑर्गेनिक ग्रीन टी को यूज़ कर सकते हैं. आप कोई भी अच्छी कंपनी की ग्रीन टी यूज़ करिए. मैं ये ऑर्गेनिक इंडिया का ग्रीन टी यूज़ करती हूँ. इट हैज़ तुलसी. तुलसी हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए और पूरी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये हमें कैंसर से भी प्रिवेंट करती है. इसके लिए मैं अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग रखती हूँ और
many green teas जरूर से जरूर दिन में two times पीती हूँ मैं regular tea से I just cut it so इस green tea को आप पीने के बाद बहुत दो तीन दिन के अंदर बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे आपके पेट को बहुत ही हल्का रखता है और आप अपनी जो regular दूध वाली चाय है उसको please skip कर दीजिए because it doesn't have any goodness और ये आपके पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है it causes constipation और बहुत सारी अलग-अलग पेट की तरह दिक्कतें। So अगर आप regular दूध वाली चाय पीती हैं, तो please उसको skip कर दीजिए, because it doesn't good for your health, for skin, for anything else. So please give it a try and बहुत ही अच्छा effect आएगा मेरे हैं बस। So हमारे next skin care में मैं use करती हूँ ये curry leaves. Curry leaves हमारे skin और पूरे body के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे in fact इसका mask आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा बहुत सारे beauty bloggers ने भी इस चीज़ के बारे में mention किया है कि curry leaves हमारे skin के लिए और body के लिए और face के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा consume इसका करें। और सबसे important step है आपके skin को अच्छा बनाने के लिए कि आपको पीना है बहुत सारा पानी। आप कम से कम आपको 3 से 4 लीटर दिन भर में पानी पीना है। आप जितना पानी पीएंगे आपकी स्किन देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हेल्दी ग्लोइंग दिख रही है और उस पर बहुत अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। आपके फाइन लाइन्स रिंकल्स एक्ने और बहुत सारे डार्क स्पॉट्स जा रहे हैं क्योंकि आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली इन समर्स में तो बहुत ही ज़्यादा पानी ज़रूरी है अदरवाइज आपकी स्किन ड्राई होने लगती है उस पर बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा होने लगती हैं। तो अगर आप पानी खूब सारा पिएंगी तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग रिफ्रेश लगेगी। सो प्लीज़ खूब सारा पानी पिए अपने घर में और अच्छा सा क्लीन वाटर पिए। अगर आपको कोई भी और ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स है तो आप पानी को बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद पानी पीजिए। मैं बिल्कुल ठंडा पानी रेकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज़ ठंडा पानी हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए और खूब सारा पानी करने के लिए मैं अपनी स्किन में ये स्किन टेला का बॉडी है फेस सॉबेट यूज़ करती हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैंशन किया था कि ये मेरा अभी करंट फेवरेट मॉइस्चराइजर है बिकॉज इसको मैंने अभी आई बॉट इट 1 month अगो और ये बहुत ही अच्छा मेरी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। बहुत ही सॉफ्ट मेरी स्किन हो जाती है एकदम हेल्दी लुकिंग। तो आप इसको अपनी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा ही मॉइस्चराइजर है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है। प्लीज़